मेरी बेटी क्या देख रही है बार बार बाहर जाके? मम्मा मैं देख रही हूँ कि अजान कब होगी। बेटा जब अजान होगी जब ही रोजा खुलेगा ना। मम्मा पहले रोजा क्यों नहीं खोल सकते? नहीं ना, जब मगरिब की अजान होती है ना बेटा, सब जब ही रोजा खोलते हैं। आपका पहला रोजा है ना, तो इसलिए आपको ज्यादा देर हो रही है। मम्मा मैं बाबा को देख के आती हूँ, बाबा भी नहीं आए। हाँ जाओ देख के आओ। आ गई हो? बाबा नजर आए हैं बाहर? नहीं मम्मा, आप भी है ना रोजा है। अच्छा, उसके पापा ने स्कूल इतना कुछ लेके आए, अब पकौड़े समोसे जलेबी, उसकी मम्मा ने बिरयानी बनाई है और आप मेरे लिए क्या बना रहे हो? बेटा आपके बाबा आएंगे ना, वो आपके लिए सब कुछ लेके आएंगे, ठीक है ना? तो मैं भी आपके लिए बहुत सारी चीजें बनाऊंगी, ठीक हो गया ना? जाओ देखो बाबा आए कि नहीं आए, टाइम भी होने वाला है। कहाँ रह गए तुम्हारे पापा? तुम तो कह रही नीचे हैं। आ गया भाई, मैं आ गया। लो जी आ गए पापा। खुल जाएगा बेटा, आज आपका पहला रोजा है ना, इसलिए आपको जो है ना वो दिल कर रहा होगा कि अभी जल्दी से खुल जाए, ऐसे ही है। चलो ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। ये देखो, ये मैं पकौड़े लेकर आया हूँ, समोसा भी लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये देखो, ये खजूरे भी लेकर आया हूँ। बोला इतना कुछ लेके आए, बस आप मेरे लिए लेके आए, कचौरी नहीं लेके आए। बेटा वो मैं लाऊंगा ना आपके लिए कचौरी, कल मैं आपके लिए कचौरियां ढेर लेकर आऊंगा, ठीक है ना? आज तुम इसके साथ रोजा खोलो तो कल मैं इतनी सारी कचौरियां भी लेकर आऊंगा, सब कुछ तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, ठीक है ना? है? चलो। हाँ भाई, तुमने बनाया कुछ? अच्छा बाबा, रोजा कब खुलेगा? अजान होगी है। चल मेरा बेटा रोजा खोल जल्दी से, चल चल। ये लो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, बिस्मिल्लाह। ये तुम भी खा लो, तुम भी खा लो।
बाहर से कोई आया? हाँ बाहर कोई आया। तुम जाओ मान, देखो भाई कौन है। तो फिर क्या हो गया बेटा? हमें आना याद नहीं रही, लेकिन तो आप रख ले अवतार। चलो ठीक है। कौन आया होगा? पता नहीं माना। अम्मा ने दिया है। कौन सी अम्मा ने? वो साथ रहती है। हाँ, क्या दिया है? देखते दुनिया भी मजाक उड़ाती है हमारा। ये बचा हुआ बचा हुआ सामान दे दिया। कैसे लोग हैं, कैसे बेहिस लोग हैं, जिन्हें एहसास नहीं होता कि गरीब की मदद करनी है, तो ये सामान बचा हुआ क्यों? अफतारी से पहले क्यों नहीं आकर दे देते किसी गरीब को सामान कि वो उसके साथ अफतारी कर ले? जब बच जाता है खुद खाया नहीं जाता तो एहसान कर देते हैं कि इससे अल्लाह की जात खुश होगी कि ये बचा हुआ हम गरीब को दे। वो तो हर हाल में खुश होता है, लेकिन इंसान को भी तो समझना चाहिए कि ऐसे किसी की दिल आजादी होती है, किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है कि बचा हुआ। ये मजाक जो है ये हर घर में हो रहा है, यहाँ कोई नहीं देखता। यहाँ जितने भी अमीर लोग हैं कभी भी गरीब को नहीं देखते। सही कह रही, अब तो किसी की मदद भी दिखावा बन गई है। कहते हैं कि किसी की मदद करनी है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये लोग तो दिखाते हैं। मम्मा, तो बगैर खाए पिए रोजा रख। नहीं बेटा, ये लोग हम गरीबों पे इतना जुल्म क्यों करते हैं? बचा कुचा सामान, बची कुची चीजें हम गरीबों को दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सज्जाद अहमद और आप देख रहे हैं पटवार प्ले। आज एक छोटी सी कोशिश की थी हमने कि कुछ थोड़ा सा मैसेज उन लोगों के लिए हम कन्वे करना चाह रहे थे जो किसी गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। हर एक इंसान में एक छोटी सी अना होती है। ये वो अना नहीं है कि जो अल्लाह को पसंद नहीं आती, वो तकब्बर होता है। अना होती है कि इंसान की आंखों से भी जान लेना चाहिए कि ये कितना मजबूर है। जैसे कि हमने आपको इसमें सिर्फ यही मैसेज आपको बताया कि जो लोग अफतारी की बची हुई चीजें गरीबों को, साथ हमसाए जो हमने सब्जेक्ट बनाया कि गरीब है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इससे जरा थोड़ा सा ना आप ऐसा ना करें। दिल आजारी होती है, ये दिल आजारी अल्लाह को भी पसंद नहीं आएगी। बिल्कुल, और मैं यही कहूंगी, मेरा नाम मरियम सज्जाद है और मैं यही मैसेज दूंगी कि ये हमने जो भी वीडियो बनाई ये किसी की भी दिल आजारी के लिए नहीं बनाई, ये सिर्फ एक समझाने के लिए बनाई है कि अगर आप बनाते हो अपने घर के लिए तो सबसे पहले दूसरों को देखें, अपने साथ वालों को देखें, अपने पड़ोसियों को देखें कि कोई भूखा तो नहीं बैठा हुआ। अगर वो भूखा बैठा हुआ है और आप यहाँ पेट भर के खाना खा रहे हैं, रोजा खोल रहे हैं, कुछ भी है, तो वो बात अल्लाह को पसंद नहीं है। बिल्कुल, बात फिर वही आएगी कि बचा हुआ ना बिल्कुल, पहले उसका हिस्सा निकाल लें। इससे ज्यादा अल्लाह पाक की जात आप पर रहमत भी करेगी और खुश भी होगी। और अगर जो हमने ये सिलसिला बात ले पे शुरू किया, ये इमोशनल स्टोरी का एक सबक और मौज स्टोरियों का,
कैसी लगती है आपको, कमेंट जरूर किया करें और अगर और लाइक भी जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ये बताएं जरूर कि आप क्या देखना चाहते हैं और आपको कौन सी वीडियोस पसंद हैं, आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरीज भी बता सकते हैं, हम उस पे वर्क करने की जरूर कोशिश करेंगे और वो स्टोरी भी इंशाल्लाह सामने लेके आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, आप अपना नंबर जो है वो कमेंट्स में दे दें, अगर आप बोलेंगे तो मुझे कमेंट्स करेंगे मैं अपना नंबर दे दूंगा। अगर आपके पास ऐसा ही कोई सब्जेक्ट, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे वाकया जो है वो हकीकत में मबनी होते हैं, ये भी जो मैंने सुनाया है या जो आपको करके दिखाया है ये मैंने खुद आंखों से देखा है कि बचा हुआ सामान जो है घर का, ठीक है, वो दिया जाता है गरीबों को, जो हम साया है, हम सायों का बहुत हक होता है जी। ठीक है, तो मैं भी वही बात कर रही हूँ कि चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हम लोगों की हौसला अफजाई हो और हम जो है ढेर सारी वीडियोस आपके लिए बनाएं, अच्छी फनी जिस तरह की भी आप चाहते हैं उस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और इस तरीके से आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, हम अपनी दुआ में आपको याद रखेंगे, आप हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और बेल आइकन जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई स्टोरी का जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह अल्लाह।